टेस्टिमनी सुनेंगे हम सब लोग बड़े ध्यान से। आप खड़े तो हो जाओ इधर। हालेलुया। पास्टर जी बड़ी टेस्टिमनी, और ये सिस्टर नोएडा से आई हैं। जब ये बच्चा, इसकी डिलीवरी जब सिस्टर की होने वाली थी तो ये बच्चा हो नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि बिना ऑपरेशन के नहीं होगा, क्योंकि ये फंस चुका था बच्चा, और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन ही होगा। पर इनकी जो क्या लगती है आप, इनकी नंद, इनकी नंद विश्वास करती हैं, और इन सिस्टर ने पास्टर जी के पास फोन करवाया कि पास्टर जी ऐसी ऐसी बात है कि मेरे भाई के बच्चा होने वाला है और डॉक्टर ने बोल दिया है कि वो बिना ऑपरेशन के नहीं होगा, आप प्रेयर कर दीजिए। और जैसे पास्टर जी ने प्रेयर की, वैसे ही उसके कुछ ही समय के बाद ये बच्चा जो डॉक्टर ने बोला था कि बिना ऑपरेशन के नहीं हो पाएगा, ये बच्चा प्रार्थना के बाद नॉर्मल हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हुई। और दूसरी इसकी बड़ी टेस्टिमनी है कि जब ये बच्चा 3 दिन का था, इस बच्चे को दुष्ट आत्माओं ने बहुत घेर लिया, बहुत बुरी तरीके से। सिस्टर बता रही थी कि ये जब 3 महीने का था तो 3 महीने के बच्चे, सॉरी 3 दिन के बच्चे को तो कोई होश नहीं रहता। ये 3 दिन का बच्चा बेड से उछलता था। अमेजिंग कर सकते हो, सोच सकते हो, 3 दिन का बच्चा बिस्तर से उछल रहा है। जैसे बॉल उछलती है वैसे ये बच्चा बिस्तर से उछलता था। और बहन ने अपने घर पे इनको बुलाया था और पास्टर जी से प्रार्थना करवाई थी, इसका जो उछलना था वो पूरी रीति से बंद हुआ और वो दुष्ट आत्मा इस बच्चे को छोड़कर बाहर जा चुकी थी। हालेलुया। एक टेस्टिमनी और है, जब ये बच्चा 1 साल का हुआ तो बता रही है कि कुछ प्रॉब्लम हुई इस बच्चे को और ये बच्चा पूरी रीति से डेथ हो चुका था, मर चुका था ये बच्चा। इनके परिवार वालों ने बोला कहाँ लेके जा रही है इसको, ये तो मर चुका है। पर ये बहन इसको, बच्चे को भवन में लेकर गई, प्रार्थना हुई बच्चे के लिए, और परमेश्वर ने फिर से इस मरे हुए बच्चे के अंदर अपनी सांसें दी और ये बच्चा आज हमारे सामने खड़ा हुआ है। हालेलुया। उसका जो वचन है ना, वो सामर्थी वचन है, वो मरे हुए लोगों में भी अपने जीवन को दे देता है। हालेलुया। और इस बच्चे को मुंडन कराना था, सिस्टर के घर, अपने नंद के घर पे आई और सिस्टर ने प्रेयर करवाई कि मेरे बच्चे के मुंडन होना है। पास्टर जी ने प्रेयर करी इस बच्चे के लिए और बोला कहीं इसको लेके नहीं जाना, सिर्फ नाई से ही इसके बाल कटवाना। हालेलुया। क्योंकि यीशु का बच्चा है, यीशु ने दिया है, वो ही इसका प्रोटेक्शन करेगा, वो ही इसको संभालेगा और कल ही इसके बाल उतरे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। जिस बच्चे पर परमेश्वर की नजर हो उस बच्चे को कुछ, उस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, शैतान उसको छू भी नहीं सकता है। हालेलुया। और बड़ा अच्छा नाम इसका रखा है इसके माता पिता ने, आशीष नाम। हालेलुया। पास्टर जी ने रखा था, ओके। उसी दिन जब ये हुआ था तो पास्टर जी से पूछा था इस बच्चे का नाम, और पास्टर जी ने बताया कि इस बच्चे का नाम आशीष रखना है। हालेलुया। और आज हमारे बीच में आशीष को लेकर खड़ी है। हालेलुया। जिन बहनों के पास भी आशीष नहीं है, यीशु मसीह आपकी कोको को खोल कर भी वो आपकी गोदों में आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? अगर इन चीजों को देखकर भी आप विश्वास नहीं कर सकते तो मैं सोच सकती हूं आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ विश्वास नहीं कर सकते। ये आंखों के सामने जब चीजें हो रही, इनको देखकर विश्वास करना है कि है वो कामों को करता है। हालेलुया। वो है जो हमारी बीमारियों को दूर करता है, वो है जो हमारे हालातों को बदलता है, वो है जो हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ये समय है गवाहियों का, और बड़ी अद्भुत टेस्टिमनी है कि सचमुच में परमेश्वर कैसे कैसे बड़े बड़े कामों को कर रहा है। हालेलुया। पास्टर जी ये संतोष भाई की वाइफ है और इनकी लाइफ में परमेश्वर ने बड़े कामों को किया। बड़े ध्यान से आप सब लोग गवाहियों को सुनेंगे। इनके पति के दोनों
इनके इनके किडनी में एक पथरी थी और जो गुप्त अंग है वहां पे भी उनके पथरी थी, और जिसके चलते वो काफी परेशान थे। इनके हस्बैंड, उनको इतना पेन होता था बहुत ज्यादा। जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके दो दो पथरियां हैं। और तो बहन विश्वास करती है, भाई भी विश्वास करते हैं, और वो प्रभु के भवन में आए, और जैसे ही प्रभु के दास से उन्होंने प्रार्थना करवाई, बता रहे हैं कि जैसे ही जब उनकी प्रार्थना हुई, उसके तीन दिन के बाद एक पथरी निकल गई गुप्त अंग के द्वारा। हालेलुया। जब वो वॉशरूम में गए थे तो वो उनके पथरी निकल चुकी थी, तो उनको फील हुआ कि कुछ निकला है। अपने घर पे आए तो अपनी वाइफ को बताया कि मेरी जो पथरी थी वो निकल गई, क्योंकि उससे पता चलता है जब वो पास्टर जी को बताया कि मेरी पथरी निकल चुकी है। तो एक और पथरी बाकी बची हुई थी, तो जब ये बहन यहाँ पर आई थी तो मैंने बोला जब वो दूसरी निकले तो आप जरूर उसकी फोटो खींचना। हालेलुया। तो जब वो दूसरी पथरी निकली तो जो जिसके चलते उनको भी काफी पेन था उसके चलते भी, लेकिन जैसे लगातार वो प्रभु के भवन में आते रहे और प्रेयर हो चुकी तो धन्यवाद देते रहे, वो दूसरी पथरी भी गुप्त अंग के द्वारा बाहर निकल चुकी है। हालेलुया। जैसे निकली इस बहन ने उसकी फोटो भी ली है। हालेलुया। तो आप इसकी फोटो खींच सकते हैं। हालेलुया। दोनों पथरियां गुप्त अंग के द्वारा बाहर निकल चुकी हैं। हालेलुया। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने ऐसे ही अपने ऑपरेशन को किया और दोनों पथरियां बाहर निकल चुकी हैं, और भाई अब बिल्कुल पूरी रीति से फ्री है। हालेलुया। तो जोर से ताली बजाएंगे इस बड़ी गवाही के लिए कि परमेश्वर ने भाई को दोनों पथरियों से आजाद किया, उस दर्द की समस्याओं से भी परमेश्वर ने आजाद किया। मोनू बहन की खुद इनकी टेस्टिमनी है कि इनके काफी पैरों में एक महीने से दर्द था, जिसके चलते इनको चलने में दिक्कत होती थी, काफी पेन इनको रहता था। पर जब थर्सडे की यहाँ पर मीटिंग थी, जब थर्सडे यहाँ पर मीटिंग हो रही थी, तो प्रभु के दास ने लोगों को बुलाया कि जो भी पहले जिसको भी प्रॉब्लम है आप आगे आए और मैं उनके लिए प्रार्थनाएं करूंगा। और जैसे प्रभु के दास ने इस बहन के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर के आत्मा ने इनको अद्भुत रीति से छुआ, और जैसे इन पर ले हैंड किया गया, परमेश्वर के आत्मा ने पूरे बल के साथ इनके ऊपर उतरा और ये नीचे गिर गई। और उसी घड़ी परमेश्वर के आत्मा ने एक महीने से जो इनके पैर में दर्द हो रहा था वो उसी घड़ी गायब हो गया। हालेलुया। रोटी नहीं पकाना, हालेलुया, तालियां बजाना। हालेलुया। बता रही है कि इनको कफ कोल्ड हो गया था, और जिसके चलते इनको बॉडी में काफी पेन था। जब वर्शिप चल रही थी तो बोल जा रहा था कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छुए, तो उसी वर्शिप में सचमुच में ये इनका मन कर रहा था कि मैं बैठ जाऊं, पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं बैठूंगी, और ये लगातार परमेश्वर की महिमा करती रही और इनके आंसू निकलते जा रहे थे, और उसी घड़ी परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और बता रही है कि मैं पूरी रीति से फ्री हूँ। हालेलुया। उस दर्द से पूरी रीति से फ्री है। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। एक महीने की दर्द जिसको जिनके पैरों में दर्द था उससे भी परमेश्वर ने इनको आजाद किया, इनके हस्बैंड को दोनों पथरियों से आजाद किया। हालेलुया। परमेश्वर ने प्यारा बेटा दिया, जो कि ओझाओं ने बोल दिया था कि तेरी कोख मर चुकी है, तेरा कोई बच्चा नहीं होगा। प्रार्थना के बाद परमेश्वर इनकी कोख को खोला और एक सुंदर प्यारा बेटा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने इनको बड़ी आशीष दी, और जब ये प्रेयर में आती है, जब यहाँ पे प्रार्थना करती है, तो मैंने इनके शब्दों को सुना, और मैं यही चाहती हूँ कि लोग कहें इस बात को भी कि प्रभु जैसे तूने मुझे छुआ, मेरी कोख को तूने खोला है, वैसी और भी जैसी बहने हैं जिनके पास बच्चे जिनकी कोख बिल्कुल बंद है, उनकी कोख भी खोल, उनको भी तू आशीष दे, जैसे तूने मेरी कोख को खोला उनको भी तू ब्लेस कर। हालेलुया। ऐसी प्रार्थनाएं बैठ के यहाँ पे करती हैं ये। हालेलुया।
बोल यीशु मसीह की, जिस चीज से परमेश्वर ने आपको निकाला है आपकी ये इच्छाएं हो जाएं कि उसी चीज के लिए आप लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं करें। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम सब गुनगुन की टेस्टमनी को जानते हैं कि जब ये बेटी 9-3 साल की थी तो इसके बैक में काफी पेन रहता था, इतना दर्द रहता था कि ये बताती है इसकी मम्मी कि ये टेक लगाकर बैठती थी किसी न किसी से, दीवार के सहारे से बेड पे बैठ रही है तो बेड के सहारा लगाकर ये बैठा करती थी। इसको बहुत सीवियर पेन रहता था, इसकी स्टडी में भी काफी लॉस हुआ और काफी इलाज भी कराया पर कोई भी आराम नहीं था और बड़ी परेशान रहती थी अपनी लाइफ को लेकर। पर जैसे ही किसी ने इनको प्रभु के भवन के बारे में बताया, जब ये लड़की पहली बार यहाँ पर आई थी तो परमेश्वर ने उसी पहली बार में इसको छुआ था, उस दर्द की आत्मा से जो 3 साल की थी जब से इसको दर्द रहता था, आज 14 साल की है, 17 साल की है, परमेश्वर ने इसको आजाद किया उस दर्द से। 14 साल तक ये उस पीड़ा में रही पर परमेश्वर ने एक झटके में इसको आजाद किया। हालेलुया। और इसकी अभी की ये गवाही है कि इसकी आंखों में हमेशा भारी भारीपन रहता था और इसको काफी पेन रहता था, जिसके चलते इसको आंखों जो भारी भारी रहती थी इसकी आंखें, इसको समझ कुछ नहीं आता था और इसको काफी पेन भी रहता था। पर जैसे यहाँ पे प्रभु के भवन में आई थी ये थर्सडे की मीटिंग में, जब प्रभु के दास ने बुलाया और ये भी यहाँ पे खड़ी हुई थी, उसी घड़ी परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को अद्भुत रीति से छुआ और बता रही है कि उस दिन से जो धुतलापन था इसकी आंखों में उसी घड़ी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और अब ये बिल्कुल साफ साफ देख पा रही है। हालेलुया, आंखों के भारीपन से आजाद किया और जिसको साफ नहीं दिखाई देता था, धुंधलापन नजर आता था, उससे भी परमेश्वर ने इसको फ्री किया और अब ये बिल्कुल साफ साफ देख पाती है। हालेलुया, अब कोई भारीपन नहीं, अब इसको साफ साफ दिखता भी है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। पास्टर जी, ये बहन बता रही है कि थर्सडे परमेश्वर ने बड़े काम किए थे। हालेलुया, थर्सडे की मीटिंग में परमेश्वर ने बड़े मिरेकल्स किए और बहुत सारे बच्चों के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणियां भी कराई थी। थर्सडे की मीटिंग बिल्कुल अमेजिंग मीटिंग थी। हालेलुया, और जितने लोग आए थे उनको पता है कितना उन्होंने आनंद को उठाया था थर्सडे की मीटिंग में। हालेलुया, पास्टर जी ये बता रही है कि इनको 2 दिन से काफी इनको चेस्ट में और इनको काफी पेन था, सर दर्द था इनको और चेस्ट पेन था। पर जब थर्सडे की मीटिंग यहाँ पे हो रही थी तो ये बहन भी यहाँ पे प्रेयर करवाए, तो जैसे ही आपने इनके लिए प्रेयर किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को भी बड़े अद्भुत रीति से छुआ था और जैसे परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ ये बहन भी नीचे गिर गई और बता रही है कि उसी दिन परमेश्वर के आत्मा ने थर्सडे की मीटिंग जब ये अटेंड करी थी उस सर दर्द से और जो चेस्ट में जो दर्द इनके हो रहा था उसी घड़ी परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ था और आजाद हो चुकी है उस दर्द से ये। हालेलुया, अपने हाथों को हिलाएंगे इन बड़ी और अद्भुत गवाहियों के लिए कि परमेश्वर कैसे बड़े बड़े कामों को कर रहा है। ये थर्सडे की सारी जो टेस्टमनी है ये थर्सडे की ही है। तो पास्टर जी ये भी बता रही थी कि जैसे आपने इनको बुलाया था और जब ये प्रेयर में यहाँ पे खड़ी हुई थी तो इनका एक हाथ जो था वो ऐसे ही रहता था, बिल्कुल वो सीधा नहीं हो पाता था और ये काफी बचपन से ही ऐसा इनके, तो ये हड्डियां इसकी अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती थी, मतलब कि ऐसा मूव नहीं होता था। पर जिस दिन जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन को छुआ था और परमेश्वर की आग ने, परमेश्वर के दास बोले थे कि परमेश्वर का आग तुमको छू रहा है, तुमको परमेश्वर का आग छू रहा है, और जैसे ये वर्ड्स परमेश्वर के दास के मुंह से निकले तो उनको महसूस होने लगा कि परमेश्वर का आग मुझे छू रहा है और उसी घड़ी परमेश्वर के आत्मा ने इसके हाथ को छुआ और ये हाथ जो बिल्कुल ऐसा था ऐसा मूव होने लगा। आप दिखाएंगे उसको। हालेलुया, तो ये जब सीधा करती थी तो कांपता था पर बता दिए कब इसका हाथ कांपता भी नहीं है और ऐसे इतना ही रहता था, अब इतना हो गया। हालेलुया, बचपन से था, बचपन से इसकी हड्डियां बचपन से ही ऐसी थी
पर परमेश्वर के आत्मा ने थर्सडे के मीटिंग में इसको अद्भुत रीति से छुआ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो हर जकड़े हिस्से को आजाद करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जो थर्सडे की मीटिंग जो इस रीति से छुआ था। हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह की। मेरी टेस्टमनी है, वीरवार की जब मीटिंग चल रही थी यहाँ पर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम सब आराधना कर रहे थे। उस दिन दीदी गाना गाई थी और मुझे ना बहुत तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि पिछले संडे मैं अपनी बहन का एग्जाम दिलाने गई थी तो वहां पर बैठने की जगह नहीं थी। और पूरा सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मैं सिर्फ धूप में बैठी रही थी। मैं इतना मतलब मुझे बेचैनी से होने लगी थी, गर्मी के चलते बहुत ना कोई दिख रहा था आसपास में, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वो सुनसान रोड था। तो मैं उसके चलते ना बीमार पड़ गई थी, मुझे फीवर हो गया था और शरीर में दर्द होने लगा, वीकनेस सी होने लगी थी। तो मेरी बहन, जैसी मैं घर आई तो मुझे फीवर चढ़ गया था घर में, तो पास्टर जी से मेरी बहन ने प्रेयर करवाई कि पास्टर जी दीदी को ना फीवर हो गया, प्रेयर कर दो। तो जैसे ही पास्टर जी ने प्रेयर किया, मेरा बुखार उसी घड़ी उतर गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस फीवर से आजाद किया। पर मेरे शरीर में ना कमजोरी सी लगने लगी थी, तो मुझे लूज मोशन भी होने लगे। तो मैं लूज मोशन हो रहे थे तो मैं चर्च में नहीं आ पाई थी एक दिन। फिर अगले दिन जब आई, फिर मीटिंग हो रही थी, पास्टर जी और दीदी फायर कर रहे थे और दीदी ने बोला कि जो जो समस्या है, अगर नाम नहीं लिया है उन समस्या का नाम ले लो। जैसे ही मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और अपनी समस्या का नाम लिया, उसी घड़ी वो समस्या मेरे शरीर से ऐसे निकल गई जैसे मुझे कभी कोई तकलीफ थी नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हाथ उठाकर कि प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से छुआ और छूकर चंगा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने सच में मेरी लाइफ में बड़े काम को किया है। परमेश्वर ने मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जैसे प्रभु ने मुझे चंगा किया, जैसे दीदी अभी कह रही थी कि बहन कह रही थी कि जब जैसे उनको बच्चे नहीं थे वो प्रार्थना कर रही थी, मैं भी प्रभु से यही दुआ करती, प्रभु जिस कंडीशन से आपने मुझे निकाला है, जिस समस्या से आपने मुझे चंगा किया है, ऐसे ना जाने प्रभु कितने लोग होंगे, उनको भी आप ऐसे ही चंगा करें और अद्भुत रीति से चंगा करें ताकि आपकी महिमा होने पाए। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का और परमेश्वर के जन का धन्यवाद करती हूँ कि हम जिस घड़ी उन्हें फोन करते हैं उसी घड़ी वो हमें हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमें उसी घड़ी छूकर चंगा करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी आपका धन्यवाद करती हूँ, दीदी आपका धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह की। हम एक टेस्टमनी और सुनेंगे, दीपाली की टेस्टमनी है। पास्टर जी ये बहन बता रही है कि इनको 2-3 दिन 3-4 दिन से इनके दांतों में काफी पेन हो रहा था और जैसे इस बहन ने वो अनॉइंटिंग ऑयल अपने दांतों में अप्लाई किया और जो अनॉइंटिंग वाटर पिया, बता रही है कि उसी घड़ी परमेश्वर के आत्मा ने इनको उस दर्द की आत्मा से आजाद किया जो इनके दांतों में दर्द हो रहा था। हालेलुया, जो आपको जो अनॉइंटिंग वाटर और जो अनॉइंटिंग ऑयल मिलता है वो कोई साधारण तेल नहीं है, वो कोई साधारण पानी नहीं है, वो बड़ी प्रार्थना और फास्टिंग का प्रेयर और प्रेयर वो अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल है वो। हालेलुया, तो जब आप उसको लगाते हैं तो बड़े विश्वास के साथ लगाएं और परमेश्वर उसी घड़ी आपको आजाद करता है। हालेलुया, तो यही बहन की इसकी टेस्ट बनी है कि इनको 3-4 दिन से दांतों में दर्द हो रहा था और जैसे इस बहन ने उस अनॉइंटिंग वाटर को पिया और अनॉइंटिंग ऑयल को अपने दांतों में अप्लाई किया, बता रही है कि उसी घड़ी परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और उस दर्द से मुझे आजाद किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। रिया कहती है कि इसकी मम्मी को आपने पूछा था कि बहन मैं तेरे लिए किसके लिए प्रार्थनाएं करूं, तो उसने बताया कि पास्टर जी मेरी मम्मी के लिए प्रार्थनाएं करना है। मेरी मम्मी के 2-3 साल से इनके सीने में दर्द होता था इसकी मम्मी के, और जिसके चलते इसकी मम्मी काफी परेशान थी और जैसे प्रभु के दास ने इस बेटी के सर पे हाथ रख के प्रेयर किया, ये बड़ी फूट फूट कर रोने लगी और उसी घड़ी परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर उतरा और बोला कि इसी घड़ी परमेश्वर का आत्मा तेरी मम्मी को वहां पे छू रहा है और फोन करके बोलना, पूछना कि तेरी मम्मी का वो जो दर्द है वो पूर्ण से गायब हो जाएगा। और जैसे इस बहन ने पूछा होगा तो बता रही है कि इसकी मम्मी के जो 2-3 साल से जो सीने में दर्द रहता था वो पूरी रीति से सीने का दर्द गायब हो चुका है।
बेटे की लाइफ में आ जाएंगी। कहाँ से हो बच्चा? एटा, एटा मैनपुरी की है ये, और ये दिल्ली में अभी आई है। प्रभु ने यहाँ से प्रार्थना सुनी और एटा मैनपुरी में परमेश्वर ने काम कर दिया। यस हालेलुया। इसकी ये इसकी मौसी इसको लेकर आई है, और जब भी अपने मौसी के साथ ये आती है यहाँ पर तो जरूर ये चर्च में आती है। हालेलुया। रियली में परमेश्वर ब्लेस करता है, और जो प्रभु के भवन में आते हैं प्रभु उनका आदर करता है, और इसकी मम्मी को परमेश्वर ने आजाद किया। हालेलुया। ताली बजाएंगे सभी लोग परमेश्वर के कामों के लिए, कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने दास दासी के द्वारा लोगों को हील कर रहा है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए, जोरदार। पास्टर जी की एक अद्भुत गवाही है, शिवानी सिस्टर की गवाही है। सिस्टर ने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई थी जॉब के लिए, तो पास्टर जी जब आपने इसके लिए प्रार्थना करी थी, प्रार्थना के थोड़े समय बाद सिस्टर की जॉब लग गई। हालेलुया। परमेश्वर ने एक अच्छी जॉब के साथ सिस्टर को ब्लेस करा। और पास्टर जी सिस्टर की एक और गवाही है, जब ये जॉब के लिए जा रही थी तो ये बस में थी, तो बस का दरवाजा खुला हुआ था, और जहाँ टिकट मिलती है वहां पे वो खड़ी हुई थी, और बस का दरवाजा उस टाइम पे खुला हुआ था, तो अचानक से एकदम बस पे ब्रेक बस चल रही थी, तो बस ने जब अचानक से ब्रेक मारा तो ये दरवाजे के पास खड़ी हुई थी, तो ये पीछे भी गिर सकती थी, बस से बाहर जा सकती थी, पर सिस्टर को ऐसा फील हुआ कि पीछे से इन्होंने पीछे से किसी ने सपोर्ट किया है सिस्टर को। हालेलुया। सिस्टर बस से गिरने से बच गई, चलती बस से गिरने से बच गई। हालेलुया। परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से अपने लोगों की सुरक्षा करता है। हालेलुया। और सिस्टर की एक और गवाही है पास्टर जी, जब सिस्टर रोड क्रॉस कर रही थी तो तेजी से एक गाड़ी इनके सामने से आ रही थी, इतना सा बची थी, एक सेकंड का फर्क था, मतलब ये एकदम पीछे हो गई, अगर ये पीछे ना होती ना तो जो गाड़ी का शीशा था ना वो इनके टूट के लग जाता। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को, कैसे अपने लोगों को सुरक्षा देता है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के कामों के लिए, कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया। हम और भी गवाहियां सुनेंगे, सामने आ जाएंगे। पास्टर जी बता रहे पंकज ब्रदर कि बता रहे थे कि इनको मंडे को एक कीड़े ने काट लिया था, और जिसके चलते इनको काफी दर्द हो रहा था, और वो रेडनेस इनके हो गया था, और जैसे भाई ने, आप देख सकते हैं कि इस भाई के बॉडी में जैसे कीड़े ने काटा वो पूरा रेड हो गया था, और जिसके चलते ये डर भी चुके थे कि कीड़े ने काट लिया था। और सुबह ही पास्टर जी के पास इस भाई का फोन आया, और भाई ने बोला कि पास्टर जी मुझे किसी कीड़े ने काट लिया है। तो जैसे पास्टर जी ने इस भाई के लिए प्रेयर किया, उसके बाद परमेश्वर के आत्मा ने उसी करे पंकज भाई को छुआ, उस दर्द से आजाद किया, और जो वो जो रेडनेस था उससे भी परमेश्वर ने इस भाई को फ्री किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को कोई काट भी लेता है ना, उसका तो भी असर नहीं हो पाता। हालेलुया। हालेलुया। उसके वचन में लिखा, यदि प्राणनाशक वस्तु भी तुम पी जाओगे तो भी तुम्हें कुछ हानि ना होगी, पर जानबूझ के नहीं करना। हालेलुया। कभी आप सांप को लेकर कटवा लो, या फिर कोई कुछ चीज है पॉइजन मिला हुआ है जबरदस्ती आप उसको पी लो, नहीं, जबरदस्ती करने की नहीं है, पर परमेश्वर सचमुच में अपने बच्चों को क्या करता है, वो बचा के रखता है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। और मैंने सिस्टर को बताया था कि मेरे को दो जगह काटा था, लेकिन दीदी को यहाँ पे टेस्टमनी में मेंशन सिर्फ बैक के लिए मेरा करा गया, जो कि मैंने बैक की फोटो दिखाई थी, लेकिन मेरे जांघ पे भी काट लिया था, बहुत बड़ा घाव टाइप का हो गया था, लेकिन पास्टर जी ने जैसे ही प्रेयर करी थी वो बिल्कुल दर्द से भी मैं फ्री हो गया, और रेडनेस भी फ्री हो गया। और एक और बड़ी मेरी टेस्टमनी है पास्टर जी की, मेरे ना कल रात से ना इस वाले पैर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं चल फिर नहीं पा रहा था, उठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी वाइफ ने मेरे को एनॉइंटिंग ऑयल एनॉइंटिंग वाटर दिया, बड़े विश्वास के साथ करी आपने ये अप्लाई कर लो और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो सेम वैसे ही हुआ, मैं सुबह जब उठा तो मेरे को पेन हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन मैं जैसे ही भवन में आया और यहाँ पे वर्शिप हो रही थी, और वर्शिप के अंदर एक गाना एक सॉन्ग चल रहा था जो कि मेरे बहुत फेवरेट है, कि जा चली जा बीमारियाँ, तो सेम वही मैं सॉन्ग को गा भी रहा था और मैं अपनी वीडियोग्राफी भी कर रहा था, और उसी बीच में मेरा पैर का जो दर्द है पास्टर जी बिल्कुल चलाकर मैं बिल्कुल फ्री हो गया, अब मैं दौड़ भाग नहीं सकता आराम से। और एक और मेरी टेस्ट बनी है पास्टर जी के, सभी लोगों को ना यहाँ पे एनॉइंटिंग वाटर एनॉइंटिंग ऑयल मिलता है, लेकिन कितने लोग विश्वास से अप्लाई करते हैं ये नहीं पता, लेकिन वो साधारण चीज़ नहीं है, जैसे कि दीदी ने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन मैं रोज डेली सुबह उठकर
जब मैं ड्यूटी के लिए जाता हूँ तो मैं उसे पी करके भी जाता हूँ, अपने माथे पे लगा के जाता हूँ अनॉइंटिंग ऑयल को, और सेम ऐसी रात को करता हूँ। और मेरी जहाँ पे जॉब है ना, बहुत बड़े बड़े हाईवे हैं, रोड हैं, तो मेरे को प्रभु हर बार मुझे बचा लेता है। और एक और टेस्ट मनी है पास्टर जी की, मैं जब सुबह उठ के जब मैं ऑफिस के लिए जब जाता हूँ ना, स्कूल में मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लगी है, और इसी बीच मेरी बहुत बड़ी टेस्ट मनी है गवर्नमेंट जॉब लगने की। और जब मैं पास्टर जी जाता हूँ तो अब मैं समय से ऐसा पहुँच जाता हूँ कि मैं सुबह पैदल भी मैं अपने स्कूल तक ना आराम से चला जाता हूँ। पहले मुझे बस भी नहीं मिल पाती थी, अब मुझे बस आराम से मिल जाती है। तो प्रभु का धन्यवाद, सबको जय मसीह की। बता रही थी कि इनके ना सीने में काफी दर्द हो रहा था और आने वाले समय में हार्ट में दर्द हो रहा था। एक बड़ी टेस्ट मनी, कुछ समय के बाद आप इनकी रिकॉर्डेड टेस्ट मनी को सुनोगे कि यीशु मसीह ने इस बहन को कहां से निकाल कर खड़ा किया। बहुत अमेजिंग तरीके से, बड़े दुखों से परमेश्वर ने इसको निकाल कर आज यहां पे खड़ा किया। हालेलुया। एक बहुत ही जल्दी आप इसकी गवाही को सुनने के लिए जा रहे हो। बता रही है कि इनके सीने में काफी दर्द था, सॉरी हार्ट में दर्द था, और जैसे ही भाई ने इस बहन ने जैसे ही पास्टर जी से प्रेयर कराई, बता रही है कि जैसे ही पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर करी, वो जो हार्ट में पेन हो रहा था, जो हार्ट में दर्द हो रहा था, वो परमेश्वर के आत्मा ने उसी घड़ी छुआ और परमेश्वर के आत्मा ने इनको पूरी रीति से उस दर्द से आजाद किया। हालेलुया। हार्ट के दर्द से आजाद किया। प्रार्थना के बाद आपको रिसीव करना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की टेस्ट मनी है। सबको जय मसीह। कल की हमारी टेस्ट मनी है। कल मैं स्कूटी से अपने भतीजे के साथ काम पे जा रहा, तो मेरी तबीयत तो पहले से ही खराब थी सुबह से ही, तो अचानक मुझे ऐसे लगा कि मैं स्कूटी से गिर जाऊँ। तो मुझे एक वचन याद आ गया प्रभु का, हे प्रभु तेरी सामर्थ्य तो बहुत कुछ हो सकता है। मैंने उस वचन को याद किया और याद करने के बाद ये कहा, मैंने कि हे प्रभु हमारी इससे दुख तकलीफ है उनको दूर कर दी, और आमीन बोल दिया इसे। इसके बाद जब मैं फैक्ट्री पहुंचा, जाते जाते हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो। हालेलुया। ये बता रहे हैं कि इनकी बड़ी टेस्ट मनी है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस प्रॉब्लम से होकर निकलता है वो उसके लिए बड़ी टेस्ट मनी होती है। हालेलुया। शायद आप लोगों के लिए साधारण टेस्ट मनी हो सकती है, पर परमेश्वर जब छूता है ना तो बड़े सामर्थ्य के साथ छूता है। बता रहे हैं कि ये अपने काम पर जा रहे थे, अपने ऑफिस जा रहे थे, और स्कूटी पर बैठे थे, इनकी तबीयत काफी खराब थी और इनको चक्कर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अभी स्कूटी से गिर जाएंगे, पर परमेश्वर का एक वचन इनको याद आया, परमेश्वर की सामर्थ्य से तो सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर की सामर्थ्य से तो सब कुछ हो सकता है, और इसको बोलकर इन्होंने कहा कि प्रभु तू मुझे छू, और जैसे बोला और आमीन बोला, परमेश्वर की आत्मा ने इनको उसी घड़ी छुआ, और बता रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से उस चक्कर से, उस जो तबीयत खराब हुई थी उसे फ्री किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लोग चक्कर आता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। वाकई प्रभु बहुत दयालु है। मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी को उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। यस आमेन। और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, खासतौर से प्रभु के दास और दासी को, जिन्होंने अच्छे रास्ते को दिखाया, अच्छे रास्ते पे चलाया। यस आमेन। सब लोग इस चीज को सीखने की कोशिश करें। धन्यवाद सबको। जय यीशु मसीह। सच्चाई ये कि प्रभु के जो दास सिखाते हैं ना, रियली में कोई संसार में आपको वो शिक्षा नहीं दे सकता। हमारा जो परमेश्वर है ना, वो पवित्र परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है वो? पवित्र परमेश्वर, वो पवित्रता में वास करता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास लोग आते हैं तो वो बीमारियों में, पाप में डूबे रहते हैं, पर जब वो यीशु के पास आते हैं तब वो समझ में आता है कि सचमुच में जब परमेश्वर को छू लेता तो अब हमें सच्चाई में चलना है, पाप में नहीं चलना है, नशे में नहीं जाना है, बुराइयों में नहीं जाना है, वो अपने जैसा हमें बनाने लगता है, और हम उसमें यीशु मसीह में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जो वचन की शिक्षा है वो बड़ी ही अमेजिंग है, वो हालातों को, परिस्थितियों के, मनुष्य के जीवनों को बदल देती है। हालेलुया। हम एक बड़ी टेस्टमनी को सुनेंगे।
हालेलुया हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह की। पास्टर जी एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है सचिन भाई की। भाई आप सामने आइए। भाई की गवाही है कि भाई वीरवार को कटर लकड़ी काटने वाली मशीन से ना लकड़ी काट रहे थे, लेकिन उस कट लकड़ी को जब काट रहे थे तो उस मशीन का जो तार है ना वो कटा हुआ था और भाई का पैर उसी पर रखा हुआ था। लेकिन जब भाई ने देखा कि मेरे शरीर में ना चींटी सी काट रही है, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन चींटी सी इनको लग रही थी काट रही है। लेकिन परमेश्वर का फेवर देखो कि परमेश्वर ने कैसे भाई को उस करंट से बचाया। इन्होंने जैसे यीशु मसीह का नाम लिया, भाई का पैर उस कटे हुए तार पर रखा रहा, ना इनको करंट लगा ना कुछ हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने कैसे भाई को करंट से बचाया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने बच्चों को बचाता है, क्योंकि उसने कहा, उसका वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है? यदि कोई मेरे मंदिर को नाश करे तो मैं उसे नाश कर दूंगा। जब ये शरीर ही परमेश्वर की आत्मा का मंदिर, तो कैसे कोई इसको बेकार कर सकता है? चाहे शैतान की कोई कितनी भी योजना क्यों ना हो, पर परमेश्वर उसे बचा कर रखता है। हालेलुया। हम अमित भाई की टेस्टिमनी सुनेंगे, बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी है ये। अमित भाई की टेस्टिमनी है। अमित भाई को मंडे को लूज मोशन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने विश्वास के साथ एनेंटिंग वाटर पिया, ये भाई लूज मोशन से आजाद हो गए। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मिराकल किया। हालेलुया। सच में एनेंटिंग ऑयल वाटर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर का ये वचन कहता है, जितने लोग एनेंटिंग ऑयल ले गए, हमने बहुत सारी टेस्टिमनियां सुनी एनेंटिंग ऑयल की, कि किसी के पेट में दर्द था, किसी को चलने में दिक्कत हो रही थी, किसी को कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन परमेश्वर के एनेंटिंग ऑयल को लगाते ही जैसे परमेश्वर के दास ने दिया था विश्वास के द्वारा, उसी तरह आप विश्वास के द्वारा लगाएंगे तो चाहे कैसी भी समस्या हो, परमेश्वर आपको उस समस्या से आजाद करेगा। हालेलुया हालेलुया। आ जाएंगी कंचन बहन आ जाएंगी, एक नोएडा वाली है कंचन बहन, और एक दूसरी कंचन बहन है वो भी आ जाएंगी। बबीता सिस्टर आ जाएंगी। हाँ, बबीता सिस्टर के साथ ही बहन आई ना कंचन, री आ जाएगी आप। बबीता बहन भी आ जाएंगी। बड़े ध्यान से सब लोग गवाहियों को सुनेंगे। ये इनका बेटा है, छोटा वाला बेटा है जिसका नाम भारत है, और उस बेटे को पिछले शनिवार की रात को उसको चिकन पॉक्स हो गया था, और उसके पूरे बॉडी के अंदर मतलब कि वो दाने निकल गए, और उनमें बड़ी इचिंग जलन टाइप की हो रही थी, और उसके साथ साथ ही उस बेटे को काफ़ी हाई फीवर था, जिसके चलते वो काफ़ी परेशान हो रहा था, विचलित हो रहा था। तो बहन ने फ़ोन करवाया पास्टर जी के पास फ़ोन लगाया और बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे चिकन पॉक्स हो गया है। और जैसे पास्टर जी ने उस भाई के लिए प्रेयर करी, परमेश्वर ने उसी दिन से उसकी बॉडी में रिकवर करना शुरू कर दिया। हालेलुया हालेलुया। आज वो जो भी उसके दाने थे वो पूरी रीति से सूख चुके हैं, और उसको कोई भी फीवर नहीं है, वो दाने पूरी रीति से उसकी बॉडी से छूटने भी लगे हैं। हालेलुया। पूरा वो सूख चुका है, और वो पिछले संडे यहीं पे नेक्स्ट संडे वो आएगा यहाँ पर। हालेलुया, खुद अपने गवाही देने के लिए। तो प्रभु ने उसकी लाइफ में बड़ा काम किया, और उसके मुंह के अंदर काफी पेन था, वो कुछ भी निकल नहीं पा रहा था, और जैसे ही सिस्टर ने उसके बेटे के लिए वाटर पे प्रेयर करवाई, और जैसे उस भाई ने उस वाटर को पिया, बता रहा था कि जैसे पिया उसने, वो जो जलन हो रही थी, जो उसके गले में पेन हो रहा था, परमेश्वर ने उसको हील किया। हालेलुया। उसी घड़ी उसको आराम मिलने लगा, और परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से चिकन पॉक्स की आत्मा से आजाद किया। हालेलुया। ये लोग डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार में और किसी को हो जाए। मैं कह विश्वास करना, प्रभु ऐसे होने नहीं देगा। संसार में रहते तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वो नहीं खाना बनाना, ऐसा नहीं करना। मैं कह ऐसा कुछ नहीं है, यीशु मसीह हमारा प्रोटेक्शन है, यीशु मसीह हमें संभालता है, और वो आप लोगों में से किसी को होने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि इसकी सुरक्षा परमेश्वर की सुरक्षा है, आपके घर के चारों ओर वो आपको संभालेगा। हालेलुया। इनके हस्बैंड की टेस्टिमनी है,
कि ब्रदर के काफी एलर्जी हो गई थी, कोई मेडिसिन उनको मतलब कि उनकी बॉडी में रिएक्शन हो गया और उसके चलते इन्फेक्शन बॉडी में बढ़ गया, उनके हाथों में बड़े दाने हो गए, उन्होंने पानी निकलने लगा। और जब वो संडे आए थे, प्रेयर हुई थी उन ब्रदर के लिए, परमेश्वर ने उनको जो इन्फेक्शन हो चुका था दवाई के चलते, परमेश्वर ने उनको हील किया। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। में काफी दर्द था और इनके पैर में स्वेलिंग भी थी। और जब ये भवन में आई थी तो जब प्रेयर हो रही थी, इस बहन ने बड़े विश्वास के साथ प्रेयर करवाया और जैसे पास्टर जी ने इनके लिए प्रेयर करी, ये बता रही है कि वो पैरों का दर्द भी दूर हुआ और वो जो सूजन भी थी, वो सूजन भी पूरी रीति से गायब हो चुकी है। हम उनके पैरों को देख सकते हैं, कोई भी पैरों में दर्द नहीं है, कोई भी पैरों में सूजन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। थर्सडे की मीटिंग में और जब आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहे थे, तो जैसे आपने इस बहन पर लेखंड करके प्रेयर किया था, तो ये पूरी रीति से नीचे गिर गई थी। बार बार परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा था, ये बार बार नीचे गिरती जा रही थी और उनको ऐसा लगा था कि इनके सीने पर कोई बैठा हुआ है। और जैसे ही आपने सीने पर इनका हाथ रखवा के प्रेयर करवाया था, और उसी घड़ी परमेश्वर के आत्मा ने वो जो दुष्ट आत्मा जिनके सीने पर बैठी हुई थी, वो पूरी रीति से उनको छोड़कर जा चुकी है। अब तो कोई आपको भारीपन नहीं है उस दिन से। तो परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, जो भारीपन रहता था इनके सीने पर, परमेश्वर उनको दुष्ट आत्मा से फ्री किया। हालेलुया। एक संडे मिस हुआ और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बॉडी पूरी बहुत हैवी हो गई है, मतलब कि मैं चलती फिरती तो ऐसा लगता है मेरे ऊपर बहुत बोझ है। लेकिन जब मैं थर्सडे की मीटिंग में यहाँ पे आई हुई थी, जब पास्टर ने ले हैंड प्रेयर की, तो मैं उस बोझपन की मतलब कि जो स्प्रिट थी, जो भी चीज थी, उससे मैं पूरी रीति से आजाद हो गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उस बोझ से मैं आजाद हुई। और मेरे गर्दन में भी बहुत पेन हो रहा था, उससे भी मैं आजाद हो गई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। कल रात की बात है, कल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मेरे स्टमक में पेन हो रहा था। मैंने रात को पास्टर जी को फोन किया, पास्टर जी कहीं बाहर थे, बट मैंने जब उनकी आवाज सुन ली ना, तो मैं उसी समय मैं बिल्कुल चंगी हो गई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हाथ उठा के, कि मैं परमेश्वर के दास की आवाज भी सुन लेती हूँ ना। मेरे घर में मतलब कोई भी सुन लेता पास्टर जी की आवाज ना, अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्रेयर की नहीं, सिर्फ उनकी आवाज से हम सब चंगे हो जाते। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उनका सामर्थ्य और उनका अभिषेक इतना ज्यादा होता है कि उनकी आवाज से भी हम चंगे हो जाते हैं। तो मैं सबको सबको जय श्री मसीह। हालेलुया। आ जाएंगी, जनवरी की बात है, इनके फेस पे काफी एलर्जी हो गई थी और हम लोगों ने काफी लोगों ने इनके फेस पर देखा था और काफी एलर्जी थी, जिसके चलते इनका पूरा फेस लाल हो रहा था और वो दाने दाने निकल रहे थे। पर उन दिनों में 40 डेज की फास्टिंग प्रेयर चल रही थी और बहन ने भी आपने बोला था कि 40 डेज की फास्टिंग प्रेयर स्टार्ट होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी रखें ताकि प्रभु आपको बड़ा ब्लेस करेगा। तो इस बहन ने भी 40 दिन के फास्टिंग रखे थे और परमेश्वर ने उस आत्मा से इनको आजाद किया था प्रेयर के द्वारा। जैसे आप प्रेयर कर रहे थे इनके लिए, परमेश्वर के आत्मा ने इनको फ्री किया उस एलर्जी की आत्मा से। कुछ दिन के बाद वो जो एलर्जी थी फिर से दोबारा आ गई, तब परमेश्वर के आत्मा ने इनसे बात करी कि तू एक परमेश्वर के साथ एक वादा कर, एक वाचा बांध। तो इस बहन ने परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए वादा किया कि प्रभु अगर मैं ठीक हो जाऊंगी इस एलर्जी की आत्मा से, तो मैं तेरे राज्य में दान बोऊंगी। तो जैसे ही इस बहन ने इस वादे को परमेश्वर के साथ किया, ये बता रही है कि फ्राइडे की जब वो मीटिंग में आई थी, परमेश्वर ने उस एलर्जी की आत्मा से इनको उसी घड़ी फिर आजाद किया। हालेलुया। और जो वादे इन्होंने परमेश्वर के साथ किया था, उस वादे को भी इन्होंने पूरा किया। हालेलुया। कुछ चीजें बार बार रिपीट हो जाती हैं, पर हमें परमेश्वर के साथ कुछ ना कुछ वायदों को करना है ताकि वो चीजें आपकी लाइफ में दोबारा ना आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इनकी एक टेस्टमनी और है। पास्टर जी बताएं कि कम पेट में काफी दर्द था और इनको शुक्रवार की बात है कि इनको काफी उदासीपन भी थी और इनका मन था कि मैं प्रभु के भवन में जाऊं प्रार्थना करने के लिए, पर एक मन कह रहा था कि मैं नहीं जाऊं, पर इन्होंने जो मन कह रहा था कि नहीं जाऊं उसकी ना सुनकर ये बाप यहाँ पर प्रेयर में आई। इन्होंने जैसे वचन को सुना
और जैसे उसमें प्रेयर हुई, बोला कि किसी किसी को दर्द हो रहा है, आपको दर्द की आत्मा को डांटना है, और जैसे प्रेयर हुई इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया और उसी घड़ी परमेश्वर ने उस दर्द की आत्मा से उनको आजाद किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इतना मैं नहीं उठने की भी मेरी ताकत नहीं थी कि मैं उठ के थोड़ा नहा करके मैं इस भवन में आ सकूं। इतना जैसे मेरे मुझे कुछ लगता था कि मुझे कुछ दबा के रखा है, इतना शरीर मुझे भारी भारी लग रहा था कि मैं उठ नहीं पाती थी। मैं बोली प्रभु अगर मुझे चंगे करने के लिए चुना तो मुझे शक्ति दे कि ताकि मैं तेरे भवन में आ सकूँ। मैं तुरंत प्रभु ने मुझे छू के शक्ति दिया और मैं तुरंत नहा करके प्रभु के भवन में जब आई तो प्रभु के दास ने वचन सुना रहे थे। मैं ध्यान से जब वचन सुनने लगी तो मेरे पेट में जैसे लग रहा था कि कुछ खड़ा हो गया, खड़ा हो जाता था, वचन को सुनने नहीं देता था, लेकिन बोले कि प्रभु मैं ऐसे सुनूंगी तो मैं कैसे आजाद होंगी। ऐसे करते करते तब वो प्रभु के दास जी ने प्रार्थना कर रही थी वचन के बाद, बोले कि ऐसा है जिसके पेट में दर्द हो रही है वो अपने लिए वो दर्द को याद करके रिसीव करे। मैं तुरंत उस दर्द को याद करके रिसीव की, प्रभु ने छू करके पूरी रीति से उस दिन आजाद किया। उस दिन से मैं आजाद हूँ, मेरे शरीर भी नॉर्मल है, पेट भी नॉर्मल है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। रिसीव किया, परमेश्वर ने आजाद किया। हालेलुया, अपनी चंगाइयों को रिसीव करना बड़ा जरूरी। इनका पेट टाइट टाइट